ये है ब्रह्मांड का एकांश, और इसी ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज के बीच में एक गैलेक्सी है मिल्की वे, आकाश गंगा, और इसी आकाश गंगा में है हमारा घर, हमारा सौरमंडल। आधिकारिक रूप से सौरमंडल सिर्फ उस सिस्टम को बोला जाता है जहां पर हम रह रहे हैं, जहां सूरज के चारों ओर ये आठ ग्रह चक्कर काट रहे होते हैं, इसी को सौरमंडल कहते हैं। लेकिन नई खोजों से पता चला है कि इस तरह के सौरमंडल बहुत सारे हैं गैलेक्सीज के बीच में, लेकिन जीवन का पता हमें सिर्फ हमारी धरती के ऊपर ही पता चला है कि जीवन संभव अभी धरती पर ही है, जहां पर हम कई तरह की प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना हम सीख चुके हैं और अपनी दिनचर्या का ये हिस्सा बन चुका है हमारा प्रौद्योगिकी को यूज़ करना। तो इन प्रौद्योगिकी को यूज़ करते हुए हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये हमारी धरती कई तरह के रहस्यों से भरी पड़ी है, जहाँ कहीं लावा निकल रहा है ज्वालामुखियों से, तो कहीं पर भूकंप आ रहे होते हैं, और कहीं समुद्र में साइक्लोन उठ रहे होते हैं। तो हमारी ये पृथ्वी कई प्रकार के रहस्यों से भरी पड़ी है, और इन्हीं रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रहस्यों को उजागर करने के लिए कई प्रकार के अभियानों को चला रहे हैं। इन्हीं में से कुछ अभियान जो हैं अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए हैं, अंतरिक्ष के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठी करने के लिए हम कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न स्पेस एजेंसीज के माध्यम से इस तरह के अभियानों को कर रहे हैं, जिससे हम धरती की अधिक जानकारी हासिल कर सकें और धरती के बाहर का जो हमारा अंतरिक्ष है उसके बारे में जान सकें। तो उसके लिए हम कई प्रकार के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, और जहां से हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, और इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से हम धरती पर कम्युनिकेशन को संभव बना पाते हैं, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग हम संभव कर पाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग संभव कर पाते हैं। तो जो ये दुनिया है, जो ये ब्रह्मांड है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा पूरी कौतुकता के साथ इस धरती को जानने के लिए, अपने आसपास की चीज़ों को समझने के लिए कौतूहल रखता है और जिज्ञासा से भरा रहता है। इसी जिज्ञासा को समझते हुए भारत के कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से 4 अप्रैल 1978 को एक नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम की स्थापना की गई, जिसका कोलकाता से इसका जो नियंत्रण है वो किया जाता है, और प्रारंभिक तौर पर गिने चुने ही इस तरह के साइंस म्यूज़ियम थे, विज्ञान केंद्र थे, जहां पर विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को दिखाने के लिए इंटरेक्टिव एग्जीबिशन होता था और अभी भी होता है। और इस जो श्रृंखला को अब बढ़ाया जा रहा है, आप देख रहे हैं 1978 में गिने चुने दो तीन ही इस तरह के विज्ञान म्यूज़ियम केंद्र थे, लेकिन अब जो है 1993 में देख रहे हैं आप बढ़ रहे हैं, और अब 2022 में हमारे भारतवर्ष में इस तरह के 25 जो हैं वो विज्ञान केंद्र हैं, जिनको हम साइंस सिटी, जो ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, इस तरह के 6 जो हैं वो साइंस सिटी हैं और बाकी जो 19 हैं वो विज्ञान केंद्र हैं। इन विज्ञान केंद्रों में हम विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उनको हम इंटरेक्टिव एग्जीबिशन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो आप कहीं एक शॉपिंग मॉल में घूमने जाते हैं और आपको एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को देखने, उन्हें समझने का मौका मिलता है। तो जैसे आप देखते हैं कि आप शॉपिंग मॉल में गए और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स आप वहां पर देख पाते हैं एक ही जगह में, ठीक वैसे ही जो हमारे विज्ञान म्यूज़ियम हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए इंटरेक्टिव मॉडल्स की स्थापना की जाती है, जहां पर बच्चे इंटरेक्टिव तरीके से इन विज्ञान के सिद्धांतों को समझ पाते हैं और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको डेवलप करते हैं। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी
के माध्यम से जो बच्चों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने के लिए जिस तरह से उसमें प्रावधान रखा गया है, तो अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन विज्ञान केंद्रों की मदद से बच्चों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, बच्चों की विज्ञान में रुचि को बढ़ाने के लिए इन विज्ञान केंद्रों का हम बच्चों को ले जाकर वहाँ पर इन इंटरेक्टिव चीज़ों के माध्यम से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि उजागर करें। इसी कड़ी में जो भी 25वां विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ हिमाचल के पालमपुर में, जिसका उद्घाटन 14 मई 2022 को किया गया अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, इस विज्ञान केंद्र में भी वैसे ही जैसे देश के अन्य विज्ञान केंद्रों में आप इंटरेक्टिव माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आपको विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को समझने का मौका मिलेगा। जो थीम बेस्ड गैलरी यहाँ पर है वो है अनटेम्ड अर्थ, और इसमें आप विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, उनके बारे में आप अधिक जानकारी और बहुत अच्छे तरीके से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यदि आप विज्ञान केंद्र पालमपुर में विज़िट करते हैं, यहाँ जाते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांतों को इंटरेक्टिव तरीके से समझने का मौका मिलेगा। तो बच्चों की जिज्ञासा को देखते हुए यहाँ पर ज़रूर जाएं और उनके बीच में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।